और समझ लो। तो राधे राधे बच्चों, मैं हूँ हृदय एसिड इंस्टीट्यूट से। आज बेटा तड़कता नहीं चम्मच का क्या कर रहा है भाई? तो भैया स्टार्ट नहीं है क्या? हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ हृदय एसिड इंस्टीट्यूट से। आज तड़कती बढ़ती बेटा वीडियो के साथ जो है हम प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम करने वाले बेटा क्लास 11 की फिजिक्स में बर्नौली प्रिंसिपल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके एग्जाम में आता ही आता है। अमन बाबू एक बार चेक कर लो, वीडियो तो चालू है? चालू है। चलिए तो बेटा बर्नौली थ्योरम जो है क्या है, क्या कहती है वो समझिएगा। मान लो कोई भी तुम्हारे पास जो है बेटा स्ट्रीमलाइन लिक्विड रखा हुआ है, जिसमें क्या नाम है, दो जगह फ्लूड है। मतलब अगर ये बॉटल शेप जो है इसमें क्या है, फ्लूड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्रेशर कुछ और हो रहा होगा, यहाँ पर प्रेशर कुछ और हो रहा होगा। ठीक है, दो पॉइंट ले लिए मैंने ए और बी, तो यहाँ पर वर्क डन भी कुछ और हो रहा होगा। जितनी भी चीजें हैं, प्रेशर हो गया, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर मैं उनका सम करता हूं तो बेटा क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट आना चाहिए। क्लियर हो गई अगली बात? तो जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहां से अगर प्रेशर लग रहा है तो ये हमारे पास क्या था, इतनी जो है स्टार्टिंग की लाइन थी, तो जैसे मैंने प्रेशर लगाया वो अब यहां से लेके ए डैश तक हो गई। क्लियर हो गई? तो जब ये आगे बढ़ेगा लिक्विड फ्लूइड बेटा, तो ये बी पॉइंट पर था लेट सपोज, तो ये बी डैश पे भी आगे होगा, यस और नो? तो इसने तो डिस्टेंस कवर करी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बेटा, इसने जो डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी करी है, v1 डेल्टा t। बच्चे क्या करते हैं, ये v1 डेल्टा t कहां से आ गया है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेलोसिटी इनटू द टाइम। तो ये v1 हम इस पॉइंट के लिए ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, v1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा t, डेल्टा t क्या हो गया, चेंज इन टाइम। क्लियर हो गई है? सिमिलरली बेटा बी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो v2 इनटू में डेल्टा t हो गया, ये जो डिस्टेंस खिसक के, ये वाली बात क्लियर हो गई है, ये चीजें समझ में आ गई है। हम बचपन से बेटा जानते हुए आए हैं कि वॉल्यूम जो है, अगर एरिया की मल्टीप्लाई अगर मैं किसी लेंथ से कर देता हूं तो वॉल्यूम के इक्वल हो जाती है। ठीक है, पता है हम लोगों को। तो मैंने क्या किया बेटा, मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम की जगह क्या लिख दिया बेटा, एरिया क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई में लेंथ लिख दिया, डेंसिटी थी तो डेंसिटी रहने दिया। क्लियर हो गई अगली बात? तो m इक्वल्स टू में क्या हो गया बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, a1 v1 डेल्टा t, और क्या हो गया, रो। क्यों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आया हमारे पास, a1 v1 डेल्टा t। ठीक है, और रो हमारे पास क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। अगर ये चीज पहले पॉइंट के लिए होगी तो सिमिलरली बेटा दूसरे पॉइंट के लिए भी होगी। ठीक है, तो अगर डेल्टा टी और रो जो है दोनों तरफ इक्वल है, दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, a1 b1 इक्वल टू में a2 b2। ये वाली बात क्लियर हो गई है? ठीक है, इसको डाल दिया मैंने सेकंड इक्वेशन और पहली वाली को पहली इक्वेशन डाल दिया था। ठीक है, अब यहां पर आपको जो रटने का तरीका है, या फिर ऐसा समझ लो कि समझने का जो तरीका है, आपको सिर्फ तीन चीजों पर काम करना है इसमें, एक तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और टोटल वर्क डन। क्लियर हो गई? क्या क्या बोला मैंने, काइनेटिक एनर्जी का चेंज और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज और वर्क डन में टोटल वर्क डन जो हुआ है। तो पहले हमने निकाला बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम डी स्क्वायर, यस और नो? तो क्या कर देंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस में क्या होता है, फाइनल माइनस में इनिशियल होता है, तो बी पे काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस में काइनेटिक एनर्जी एट ए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, है ना? तो इसके लिए बी टू होगा, इसके लिए बी वन होगा, तो डायरेक्ट मैंने कॉमन ले लिया है, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम बी टू का स्क्वायर माइनस में बी वन का स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर हो गई सारे बच्चों को? सिमिलरली अब देखो बेटा, m का फॉर्मूला क्या आया था यहाँ पर, a1 v1 डेल्टा t रो। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो a ये वाला m था उसकी जगह क्या लिख दिया बेटा, a1 v1 डेल्टा t और रो, और जो जैसा था वैसे ही लिखा रहने दिया। ठीक है, इसको तो बेटा यही छोड़ देंगे। क्लियर हो गई? अब देखो क्या करेंगे, अब निकालेंगे बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mgh पोटेंशियल एनर्जी का, तो क्या हो जाएगा, mgh एट बी पॉइंट पर, mgh एट पॉइंट ए पर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए बी पॉइंट पर की हाइट कितनी है बेटा, h2 है। क्लियर हो गई है? और ए पॉइंट के लिए कितनी है, h1 है, तो mgh2 माइनस में mgh1 होना चाहिए था। ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया, mg कॉमन आ गया, h2 माइनस में h1 हो गया। अब m की जगह सिमिलरली जैसे हमने यहां पर बेटा m की जगह a1 b1 डेल्टा t रो लिखा था, यहां पर भी a1 b1 डेल्टा t रो लिख देंगे, g की जगह g रहने दिया हमने, h2 माइनस में h1 हो गया। क्लियर हो गई? बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से समझ में आ गई। अब क्या मैंने तीसरी चीज क्या बताई थी बेटा, नेट वर्क डन।
यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, क्यों? क्योंकि बेटा आप कहीं कहीं पढ़ोगे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया गया है कि भाई पी वन ए वन कहाँ से आया है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा वन टन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, ठीक है, और फोर्स को भी और हमने डिफाइन कर लिया क्या, प्रेशर इंटू में एरिया, और ऐसी सॉरी डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी इंटू में टाइम। तो देखो अगर तुम देख पा रहे होंगे तो ये प्रेशर है और ये क्या है एरिया, तो ए वन आ गया, ये क्या है वेलोसिटी है तो वी वन लिख दिया, और टी की जगह क्या लिख दिया हमने डेल्टा टी, तो समझ में आ गई वर्क डन जो है ये चीज कैसे आई है, लेकिन ये एक ए पॉइंट पर आई है, माइनस में कर देंगे बेटा बी पॉइंट पर, क्लियर हो गई ये वाली बात, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हम यहाँ पर बी क्यों ले रहे थे हर जगह और यहाँ पर हम ए क्यों ले रहे हैं, वर्क डन बेटा पहले ए पॉइंट पर हुआ होगा ना, क्लियर हो रही है यानी बात, तो यहाँ पर पी वन ए वन क्या नाम है बी वन डेल्टा टी, ये चीज समझ में आ गई कैसे आई है, इस फॉर्मूले से मैंने साइड में लिख दिया है कि हम किस तरह से इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो पी वन ए वन बी वन और डेल्टा टी एक साथ लिख दिया, पी टू ए टू वी टू डेल्टा टी एक साथ लिख दिया हमने, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ए वन बी वन डेल्टा टी, ए वन बी वन डेल्टा टी, तो एक कॉमन आ रहा है क्या बचा, P1 माइनस में P2 बचा, ठीक है, चलिए लिख दिया हमने, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब देखो अब कह रहे होंगे कि भाई पी ए टू वी टू है यहाँ पर ए वन वी वन है, तो यहाँ पर ये अकेला कैसे बच गया, तो अब आ जाओ बेटा इक्वेशन नंबर टू पे, तो ए वन वी वन इक्वल टू में ए टू वी टू था, तो हमने ए वन वी वन की जगह ए वन वी वन नहीं ले दिया, लेकिन ए टू वी टू की जगह क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, ए वन वी वन कर दिया, अब इधर भी ए वन वी वन आ गया, इधर भी ए वन वी वन आ गया, दोनों को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद क्या आ गया बेटा, ए वन बी वन डेल्टा टी और पी वन माइनस में पी टू आ गया, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो क्या निकालेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हुई है, ठीक है, वो सबका क्या होगा, सब होगा, अब जो काम हुआ है वो किसके इक्वल हुआ है, तो टोटल नेट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी बात क्लियर हो गई है, सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो टोटल वर्क डन हमारे पास नेट वर्क डन कितना आया था, ये आया था बेटा, क्लियर हो गई, तो ये लिख दिया हमने। अब हमारे पास क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इस पर बेटा मैं डबल लाइन कर रहा हूं, तो ये आ गई हमारे पास डबल लाइन वाली, और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई है तो इस पर मैं ट्रिपल लाइन कर देता हूं, तो यहां पर आप ट्रिपल लाइन देख लो बेटा, अब आपको जो है सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ए वन बी वन डेल्टा टी, ए वन बी वन डेल्टा टी, ए वन बी वन डेल्टा टी, हर जगह ए वन बी वन डेल्टा टी है, तो मैंने डिवाइड कर दिया ए वन बी वन डेल्टा टी से, क्लियर हो गई ये वाली बात, तो यहाँ से क्या बचेगा सर, पी वन माइनस में पी टू बचेगा, यहाँ से ए वन बी वन डेल्टा टी गायब, तो हाफ रो वी टू का स्क्वायर माइनस में, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दी हमने साथ के साथ, तो हाफ रो वी टू का स्क्वायर माइनस में हाफ रो वी वन का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर v2 का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर, सिमिलरली ये तो चीज खत्म हो गई, क्या बचा हमारे पास, रो जी एच टू रो जी एच वन माइनस का साइन के साथ, क्लियर हो गई है, सारी वन वन वाली चीजें इधर लेके आ जाते हैं और टू टू वाली चीजें उधर लेके चले जाते हैं, तो जरा ध्यान से देखना, ये जो करनी वाली मैं वो कर रहा हूं ना, तो वो वन वन वाली है, ध्यान से देखना, ये वन हो गई और ये वाली वन हो गई और ये वाली वन हो गई, तो इन सबको इधर लेके आ गए, ये माइनस की थी इधर आके प्लस की हो गई, ये माइनस की थी इधर आके प्लस की हो गई, सिमिलरली पी पी टू जो है माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, अब इसको मैं एस एस ये वाली लाइन कर देता हूं, ये वाली, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा P2 प्लस में क्या हो जाएगा हाफ रो V2 का स्क्वायर और यहां पर क्या हो जाएगा रो G H2 का H2, सिंपल, ठीक है। अब देखो सारी जो वैल्यूज हैं P1 वाली वो इधर आ रही है और P2 वाली उधर आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि P जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर P1 प्लस में P2 है, ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों का सम है ना, तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दूं, क्या हो जाएगा हाफ रो V का स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ क्वांटिटीज क्या है इक्वल है, तो हम क्या देंगे कि ये क्या है कांस्टेंट है, यही इसका प्रूफ था बर्नौली थ्योरम का। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, राधे राधे, बंद कर दीजिए।